एक तरफ जहां योगी सरकार कह रही है कि प्रदेश में ऑक्सीजन या बेड की कमी नहीं है, वहीं देर रात यहां पे लोग ऑक्सीजन के इंतजार में खड़े हैं। हम अभी हैं मुजफ्फरनगर में। सर, ये मुजफ्फरनगर की कौन सी जगह है? ये वेलना चौक सूर्य चुंगी जी। अच्छा जी, तो आप लोग अभी तक ऑक्सीजन के लिए क्यों खड़े हैं? अभी तक गाड़ी नहीं आई, 3 बजे की गाड़ी बोले, यहाँ पे लाइन में लगे हुए थे हम लोग, लेकिन अब तक कोई सुविधा नहीं, ना ही अब गाड़ी के आसार लग रहे आने के, कब तक आएगी कब तक नहीं, आधा आधा घंटा कह रहे हैं, लेकिन कोई अभी तक आसार लग ही नहीं रहे कि कब आएगी कब नहीं। आप दोपहर 3 बजे से यहाँ पे हैं और अभी 10 बज गए हैं। जी हाँ बिल्कुल। आप किसके लिए ऑक्सीजन लेने आए हैं? मेरे छोटा भाई है जी, हमारा कपिल नाम है जी। उनकी क्या स्थिति है, क्या हुआ है? बस वे क्या बोलते हैं उसके, वो डाउन हो रही है, पल्स डाउन हो रही है। कितनी है? 85 है जी फिलहाल। तो फिलहाल वो सरकारी अस्पताल में तो 85 हो रही है, लेकिन उसके अभी जो उससे पहले 70, 65, 63 ऐसे जा रही थी। तो आपके भाई सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं? हाँ जी। तो वहाँ के लिए ऑक्सीजन आप क्यों लेने हैं? सरकारी अस्पताल में क्या ऑक्सीजन मौजूद नहीं है? नहीं, उन्होंने भी बाहर से लिखा जी हमें, ऑक्सीजन ले गया। किस अस्पताल में? सरकार के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो सर गवर्नमेंट अस्पताल में तो सरकार ऑक्सीजन पहुँचा रही है ना? नहीं सर, उन्होंने लिख के दिया हमें, पर्ची बना के दी, वही हम पर्ची यहाँ पे दिए है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो क्या नाम के मरीज को भी नहीं एडमिट कर रहे, अब वो लेके बेड नहीं है यहाँ पे, कोई भी खास अच्छी तरह एमरजेंसी वार्ड में भी नहीं कोई वो कर रहे वहाँ पे, जबकि बेड खाली पड़े एमरजेंसी वार्ड में, वहाँ पे तब भी नहीं कर रहे। और यहाँ पे पीछे आवाज लगा लगा के बोल रहे के सिलेंडर आओ और हाथ के हाथ ले जाओ, पुलिस वाले खड़े वहाँ पे, हमें नहीं जाने दे रहे, तो बताओ क्या करें फिर उसमें, मरीज हमारा घर पे मरने लग रहा। आप कहाँ से आए और किसके लिए ऑक्सीजन लेने आए? मखियाली दादी के लिए आए। क्या हुआ उनको? उनको यही ऑक्सीजन की कमी है बहुत ज़्यादा। लेकिन एक सवाल ये था कि आपने बताया कि आपके जो छोटे भाई हैं कपिल जिनका नाम है, वो सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन ऑक्सीजन आपको बाहर से ले जाना पड़ रहा है, ऐसा क्यों है? पहले तो वे बेड के लिए ही मना कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हमने बोला अच्छा जी, जब बेड के लिए नहीं बोल रहे थे वे, फिर बेड के लिए हमने रिक्वेस्ट करी बड़ी मुश्किल से, उन्होंने बेड के लिए बोला, फिर लिटाया थोड़ी देर बाद, फिर उन्होंने लिख के दिया कि आप पहले ऑक्सीजन लाओ जब ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, उसके बाद हम 3 बजे से यहीं है पड़े सर। पूरा दिन चक्कर खाली, एक सिलेंडर मिला है खाली बड़ी मुश्किल से, और उसके बाद फिर हम यहाँ से। तो ये खाली सिलेंडर भी आपको खुद ढूंढना पड़ रहा है कहीं? जी, ये खुद भी पूरे मैं दिन में 2 बजे से सिलेंडर ढूंढ रहा हूँ जी, और कम से कम 4 घंटे मुझे सिलेंडर मिला, सिलेंडर पे 3 बजे से फिर यहाँ से लगा जी मैं। जैसे कि हमारे दर्शक ये समझ ले कि इनके भाई सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं और इन्हें खुद ऑक्सीजन का सिलेंडर ढूंढना पड़ा, उसके बाद ये यहाँ सुबह दोपहर 3 बजे से खड़े हैं ताकि इनको ऑक्सीजन मिल पाए। सर, आप क्या, आपके किसके लिए ऑक्सीजन लेने आए हैं? जी, हमारे दोस्त की चाची है हसनपुर से, शामली में से, तो उनके लिए सिलेंडर लेने आए थे हम, 3 बजे का यहीं पे खड़े हैं, हमें अब तक कोई सिलेंडर नहीं मिला। तो जो आपके दोस्त की चाची हैं वो अस्पताल में है या घर पे हैं? वो घर पर ही हैं सर, वो घर पर ही है फिलहाल। क्या स्थिति है उनके? उसे ऑक्सीजन की कमी है थोड़ी जी। हाँ जी। तो ये जो ऑक्सीजन यहाँ मिल रहा है, ये सरकारी ऑक्सीजन है या प्राइवेट है, क्या है थोड़ा बताएंगे? नहीं, ये तो प्राइवेट है सर, प्राइवेट है जी जी। हाँ जी। और यहाँ कितने पैसे लगते हैं ऑक्सीजन के? यहाँ 250 रुपये सिलेंडर पर सिलेंडर। हाँ जी। तो आप किसके लिए आए हैं? यहाँ पे बुआ जी के लिए भैया। क्या स्थिति है उनके? उनकी अभी थोड़ी नॉर्मल है, पर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो ही रही है अभी भी। तो एक बात बताइए, जो ऑक्सीजन का खाली सिलेंडर है उसको भी तलाशने में काफ़ी मेहनत लग रही है, तो आप कहाँ से लेकर आए, कैसे लेकर आए? भैया रेंट पे ले गया भैया। कितना रेंट लग रहा है उसका? भैया 5,000 रुपये जितने दिन का, नहीं बाकी सब दिन के मिला के टोटल, उन्होंने बोला भैया एक बार दे देना, कोई नहीं 5,000 रुपये। आप कितना दिन में रख लें? हाँ, अब जितने भी दिन जाएगा अगर एक्स्ट्रा होगा तो उसका चार्ज अलग देना पड़ेगा, क्योंकि कोई दे नहीं रहा है सिलेंडर, भैया कहाँ से देगा? अब फिर यहाँ पे लाके 250 रुपये देना पड़ रहा है उसको, वेटिंग में लगना पड़ रहा है लाइन में, पूरा दिन लग जाता है यहाँ पे लाइन में लगने के लिए। उसके बाद नंबर आता है, जब जाके जाता है अंदर, 2 घंटे बाद फिर गाड़ी आएगी, फिर जब जाएंगे। एक बात बताइए कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं बार बार कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, आप लोग दोपहर 3 बजे से अभी तक यहाँ इंतजार कर रहे हैं, क्या कहेंगे? भैया अगर ऐसी कोई बात होती, सर आप जीरो लेवल पे देख सकते हैं, आप खुद ही देखिए यहाँ के प्रशासन का क्या हाल है, अगर पब्लिक परेशान हो रही है क्यों हो रही है बताइए, अगर किसी चीज की कमी ना होती तो पब्लिक यहाँ पे थोड़ी खड़ी होती भैया। सर यहाँ पास में बाबा गैस एजेंसी है, एक ये रामा गैस एजेंसी वाले हैं और पास में एक बाबा गैस एजेंसी है, मैं ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, ऑक्सीजन की उनकी फैक्ट्री है, ऑक्सीजन ही सप्लाई कर रहे हैं,
मैं शाम 4 बजे गया फैक्ट्री में गया तो वहाँ पर बाहर गार्ड बैठा था। मैंने पूछा भैया मेरे मेरे को आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं, एक तो डॉक्टर का पर्चा, आधार कार्ड और टेस्ट रिपोर्ट। कहने लगे भैया जो डॉक्यूमेंट्स है ले आओ, जल्दी ले आओ और हम आपको गैस फिल करके दे देंगे, तुरंत दे देंगे, अभी हम खाली बैठे हैं दे देंगे। मैं भैया घर से सिलेंडर लेकर आया, सिलेंडर लाकर मैं वहाँ पहुँचा ही औद्योगिक क्षेत्र बाहर के बाहर पहुँचा, वहाँ पुलिस वाले खड़े, पुलिस वाले इधर आ, कहाँ जा रहा है? मैंने कहा वहाँ जा रहा हूँ भैया गैस भरवाने, यहाँ नहीं भरी जाएगी गैस, चल बाहर चल वहाँ लग लाइन में, और लाइन में वहाँ से रामा गैस वालों के मिलेगी, यहाँ गैस नहीं मिलेगी इसमें, जबकि अंदर वो खाली बैठे हैं, वहाँ गैस नहीं मिल रही है और यहाँ लाइन में लगा दिया। भैया 5 बजे से रात के 9-10 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, अब तक मुझे गैस नहीं मिली है। आप किसके लिए ऑक्सीजन लेने आए? फादर के लिए लेने आया हूँ भैया, उनके ऑक्सीजन 80 आ रही है, 80-82 आ रही है। कहाँ है वे? घर पर हैं, होम आइसोलेट कर रखे हैं। तो क्या आप उनके लिए बेड तलाशने नहीं गए? बेड कहीं मिल नहीं रहा है भैया, बेड भी तलाश किया है, कई डॉक्टर्स के पास गया हूँ, डॉक्टर से मना कर दिया है, फाइनली डॉक्टर ने कहा है कि आप घर पर कहीं से सिलेंडर का इंतजाम कर लीजिए और होम आइसोलेट ही कर लीजिए एट प्रेजेंट। तो यही हो रहा है भैया। आप कुछ कह रहे थे उत्तर प्रदेश में जो आपके इलाके में स्वास्थ्य व्यवस्था है कैसी है? सर आप मीडिया में हैं और आप लोगों से बात कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं सब कितनी समस्या में, मैं भी उसी समस्या में खड़ा हूँ। मैं करीब यहाँ 2 बजे से हूँ और मेरा सिलेंडर लाइन में लगातार मैं लाइन में खड़ा था तो वो सिलेंडर गाड़ी गई है, अभी तक मैं वेटिंग में ही हूँ, अभी गाड़ी आएगी तब मुझे मिलेगा, मैं अपने पेशेंट तक लेके जाऊँगा। तो समस्या तो सब दिख ही रही है सर। कितने पेशेंट कहाँ पर हैं? सर मेरे भी घर पे ही ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं बेड के लिए हॉस्पिटलों में गया था तो उस टाइम जगह नहीं थी हॉस्पिटलों में, 3 दिन से घर पे ही ट्रीटमेंट चल रहा है, मेरी सिस्टर बीमार है। तो आप बताइए, आप बताइए आपके जो विधायक हैं जिनको हम सुनते हैं अपने, सर हम विधायक जी के पास गए और के पास गए, हमने कहा SDM के लिए हमें लेटर दे दीजिए, हमें ऑक्सीजन की जो लोकल एजेंसी है ऑक्सीजन मिलता रहे, वहाँ पर उस टाइम पूर्ति नहीं है ऑक्सीजन की, ये थी बहुत सारी समस्या है सर। हम मजदूर आदमी हैं, हमारी इतनी सोर्स नहीं होती है, इतने लोगों में नहीं, एकदम अचानक से बीमारी आई है तो हम कंफ्यूज थे, पहले तो हमें सिलेंडर ही नहीं मिल रहे थे, सिलेंडर के बारे में जानकारी निकाली, समस्या बहुत सारी है सर। तो अभी हमें मुजफ्फरनगर का ये IIT चौराहा है, ITI चौराहा है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में लोग अपने परिजनों के लिए जो बीमार हैं जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है यहाँ पे मौजूद है, कोई दोपहर 2 बजे से तो कोई दोपहर 3 बजे से, लेकिन रात के 10 बज गए अभी तक इन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। इन ये तमाम भीड़ ये सवाल उठाती है कि मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं वो कितना सही है और कितना गलत। बसंत कुमार, newslaundry.com के लिए।